एक इन्फॉर्मर ने सीबीआई के डायरेक्टर को ईमेल करके बताया कि आर्यन खान को बचाने के लिए दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में एनसीबी के लखनऊ कार्यालय में एनसीबी अधिकारियों की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में एनसीबी के मुंबई कार्यालय के अधिकारी आशीष रंजन, विश्व विजय सिंह और एसआईटी के अधिकारी पंकज दुबे शामिल हुए थे। पंकज दुबे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी हैं। वे आईटीबीपी से एनसीबी में डेप्यूटेशन पर आए हुए हैं। मीटिंग का नेतृत्व प्रशांत श्रीवास्तव ने किया था। प्रशांत श्रीवास्तव एनसीबी के लखनऊ जोनल अधिकारी हैं। ईमेल में बताया है कि प्रशांत श्रीवास्तव उतना ही करते हैं जितना ज्ञानेश्वर सिंह कहते हैं। इस मीटिंग के बाद एनसीबी सुपरिटेंडेंट हरीश कुमार लखनऊ से मुंबई भेजे गए थे। ज्ञानेश्वर सिंह मूलतः यूपी के बहराइच जिले के रहने वाले हैं। बहराइच जिला ड्रग्स डीलिंग का सबसे बड़ा हब है। उनका एक रिश्तेदार मुंबई के मलवानी में रहता है और उसने भी इस केस में अहम भूमिका निभाई थी। आर्यन खान को बचाने के लिए एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, पूर्व मंत्री असलम शेख ने समीर वानखेड़े को सीधे से फोन किया था। सूत्र बताते हैं कि मुंबई का कोई ऐसा नेता नहीं बचा था जिसने शाहरुख खान के कहने पर समीर वानखेड़े को फोन ना किया हो। बताया जाता है कि आर्यन खान को बचाने के लिए ज्ञानेश्वर सिंह ने चार्जशीट की मूल प्रति ही बदल दी थी। इसके सबूत समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दिए हैं। चार्जशीट बदलने के बाद ही आर्यन खान को क्लीन चिट दी गई थी। उल्टे समीर वानखेड़े पर आरोप लगा दिया गया था कि उन्होंने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की मांग की थी और 18 करोड़ रुपए पर मान गए थे। अब इस मामले के प्रमुख गवाह सैम डिसूजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि आर्यन खान को बचाने के लिए ज्ञानेश्वर सिंह ने शाहरुख खान से रिश्वत ली थी। रिश्वत की कुछ रकम हवाला के जरिए दिल्ली में भेजी गई थी।